हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये शिलीन कंपनी की VFD ड्राइव है 1.5 किलोवाट की। इसके अंदर एक्सलेशन और डीएक्सलेशन टाइम कैसे सेट करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं आज। इसमें देखिए ये मोड का स्विच है, इसको आप दो बार पुश करेंगे, वन एंड टू, इसमें पी आ जाएगा। फिर इस पॉट को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ सेवन लेके आएंगे, सेवन इसका एक्सलेशन का वो है नंबर। इसके बाद इसको सेट की दबाएंगे, इसमें फाइव है, आप इसको एट कर सकते हो, सिक्स कर सकते हो, सेवन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको एट कर देता हूँ। एट करने के बाद मैं इसको एंटर करूँगा, ये देखिए एट कर दिया। इसके बाद सेट की को मैंने एक सेकंड तक होल्ड रखना है, ये ब्लिंक होगा। ब्लिंक होने के बाद इसको एक बार दोबारा पुश करना है, वो एट इसमें सेट हो गया है। चेक करने के लिए आप दोबारा सेवन में जाइए, सेट की दोबारा दबाइए, देखिए इसमें एट है। इसमें दोबारा आप इसको दबा कर रखेंगे, फिर दोबारा बाहर आएंगे तो एट सेट हो जाएगा ये। अब आपको डीएक्सेशन टाइम सेट करना है, उसके लिए आपको एट पैरामीटर में जाना है। एट में जाने के बाद आपको सेट की दबानी है। सेट की दबाने के बाद इसमें देखो टू डाल रखा है, टू को आप थ्री फाइव कुछ भी कर सकते हो। ये डीएक्सेशन टाइम है आपका, मान लीजिए आपने इसको थ्री कर दिया। थ्री करने के बाद आपको सेट की को एक सेकेंड तक होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद ये ब्लिंक करेगा, फिर दोबारा सेट की दबानी है तो ये इसमें सेट हो गया। अब आपको चेक करने के लिए दोबारा इसमें एट में जाएंगे, सेट करेंगे, देखो ये थ्री सेट हो गया। इस तरह एक्सलेशन डीएक्सलेशन टाइम आप सेट कर सकते हो ड्राइव के अंदर।